रिवर में जाएगी, वरना यहाँ पे डिफिकल्टीज आपके लिए काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी। सामने मेंटियो भी सोल कैरेक्टर भी क्लोजिंग करेंगे, लेट्स सी किस तरह से क्लच आउट करते हैं। बट मेंटियो डॉक्टर ओमेगा अक्षत इन गॉब्लिन देखने को मिलेंगे, बट चलिए इसी दौरान ओमेगा के थ्रू पहला नॉक निकाला जाएगा, लेट्स सी किस तरीके से फाइट निकालेंगे। लेकिन गॉब्लिन के पास भी कुछ इतने ज्यादा अच्छे कंक्रीट कवर्स नहीं है, लेकिन पीछे से ओमेगा एक्टर की यह जोड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है, एक एक करके 2v2 के सैंडविच सिनेरियोस में डाल दिया है। आखिरकार जो बीच वाली टीम है वो जाए तो जाए कहां, आप आगे जाएंगे तो वहां पर आपको आगे इस सेम टाइम रिटर्न केएमडी डाउन द ग्राउंड एक्सो के प्रधान ऑन टू द टाइटन साइड देखने को मिल रहा है। लेट्स सी ओमेगा का ये ग्रेनेड क्या कुछ डिफरेंट कनेक्शन बना सकता है, बट सामने से प्रधान का ग्रेनेड आता हुआ नजर आएगा, मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ेगी, ओमेगा को थोड़ा सा फॉल बैक करने पे मजबूर। बट ये लीजिए प्रधान बिल्कुल सामने उनके, ओमेगा के सामने प्रधान को टेक डाउन कर दिया, बट एट द सेम पॉइंट बिविंग पिक ऑफ करेंगे गॉब्लिन को, स्मोक पाथ क्रिएट जोर से किया जा रहा है। राइट साइड में इज गोना बी टीम स्टिंग, थर्ड पार्टी सिनेरियो जिसके लिए सैनोक जाना जाता है वो बिल्कुल हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। वापस से शायद वही गलती जो लास्ट मैच में हुआ वो सेम गलती शायद टीम सोल यहां पे कर सकती है। देखिए अभी के लिए फिलहाल थोड़ा सा मुझे यहाँ पर सैंडविच सिनेरियोस में दिखाई दे रहा है, लेकिन लेट्स सी यहाँ पर इतना ज्यादा इजी रहेगा नहीं यहाँ पर टीम आईएनएस के प्लेयर्स के लिए भी सर्वाइवल। लेकिन बैक टू बैक शॉट्स ले जाएंगे रेडन के द्वारा, एक वेल अटेम्प्ट यहाँ पर जो शॉट्स है बनाए जा रहे हैं, कनेक्शन करे जा रहे हैं, लेकिन एक्टर के द्वारा ये ग्रेन मजबूर करेगा। और ये लीजिए UMP के साथ एक्टर करेंगे टेक डाउन बैक टू बैक, लेकिन एक्टर यहां पर ऑन टू द रोल बोला जाएगा, वंस अगेन एग्रेशन दिखाएंगे पिछले मैच में गॉब्लिन, तो इस मैच में और जोन सूनर बिल्कुल ऐसे में यहाँ पर बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जोन पूरी तरीके से पैराडाइज रिजॉर्ट को यहाँ पर फेवर कर रहा है। लेकिन गॉब्लिन देखिए ऑलरेडी ये काफी ज्यादा बड़ा क्रिएटिव फ्लैंक डालते हुए नजर आएंगे, ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करते हुए नजर आएंगे, हाई ग्राउंड्स को एक्वायर करेंगे, और मुझे जिसके चलते लग रहा है कि टीम स्टिंग के प्लेयर्स के बिग विक को भी दौरान 9 फिनिशर्स इनके नाम, टीम स्टिंग के प्लेयर्स भी जो है अभी के लिए देखने को मिल जाएंगे। बट चलिए कुछ कमाल के रिफ्लेक्स, कुछ कमाल की एक्यूरेसी के साथ एक अपना शानदार तरीके से एक और नॉक निकाल कर दिखाएंगे अपनी टीम के लिए। लेकिन ओमेगा दूसरी तरफ से यहाँ पर रशे करते हुए नजर आ रहे हैं, टीम स्टिंग पूरी तरीके से यहां पर जो इनका सर्वाइवल काफी ज्यादा मुश्किलात भरा रह रहा है। लेकिन गॉब्लिन आगे मूव ऑन करना चाहते हैं टीम स्टिंग की तरफ से, यहां पर TFU अभी के लिए हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके लिए एक 1v4 का सिनेरियो, और टीम सोल पूरी तरीके से अपने एग्रेशन के लिए जानी जाती है और कुछ वैसा ही यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए देखा जाए तो 12 टीम्स 28 प्लेयर्स हमें जरूर से देखने को मिल रहा है। लेट्स सी हेक्टर को एक सरप्राइज अटैक मिलेगा, हेक्टर को वहां पे पिक ऑफ कर दिया गया, अक्षय टर्न टू द अनदर एंड के बिल्कुल इंस्टेंट सपोर्ट के साथ जाएंगे, ओमेगा के स्ट्रिंग के टीफी फॉलोअर्स के बहुत ज्यादा करीब है, 14.7 के आप लोगों ने ऑलरेडी करवा दिए, जल्दी जल्दी जाइए फॉलो करिए। लेकिन उसी दौरान एक और टीम को जो है अपने जाल में फंसाना चाहती है टीम सोल के पास, लेकिन एसिस 69 विल टेक डाउन टॉप रॉक्स थी, साथ में साथ ओपन स्पॉट के अक्षत को गॉब्लिन भी वहीं पे नजर आ रहे हैं, काफी बेहतरीन एंगल हॉट के पास नजर आ रहा है, अक्षत को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, गॉब्लिन को थोड़ा सा